लोग, और जैसे अभी अभी अपने सवाल में बोले प्रतिबंधित मांस, तो प्रतिबंध हु डिसाइड्स कि प्रतिबंधित मांस है? प्रतिबंधित मांस वहां था ही नहीं, इनफैक्ट ये स्टोरी में कुछ है ही नहीं। वहां आप खुद स्पॉट पे गए होंगे, देखे होंगे, वहां मुर्गा और मीट बेचने का एक दुकान है झुग्गी झोपड़ी में, वहीं का जो अवशेष होता है, जो लेफ्ट ओवर्स होता है मुर्गा और मीट वगैरह काटने के बाद, उस पर्टिकुलर पॉलीथीन में मुर्गा का जो अवशेष होता है, जिसको हम लोग लूज देहाती भाषा में पचौनी बोलते हैं, उसको पॉलीथीन में बांध के ऊंचाई पे टांग दिया था कि कुत्ता उत्ता इसको इधर उधर नहीं करे, वो अनटूवर्ड्स इंसिडेंट बचाने के लिए, और पहली बार नहीं, वो हमेशा से होता है। और जिस तार में बांधा गया था, वो तार एक बिजली के पोल से और एक झंडा का खंभा, जो रामनवमी के समय जो झंडा लगा था उसको सपोर्ट के लिए एक तार बंधा हुआ है, वो उस तार में बंधा हुआ है, वो किसी झंडे और किसी इसमें नहीं बंधा हुआ। अननेसरी कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं, एकदम कैटेगरिकली उसको पुलिस असमय पहुंच के वहां से, और जब पुलिस उसको उतारी थी, वहां कम से कम 10 लोग थे उनके सामने में, उतार करके उसको वहां से हटाया गया, आवश्यक कार्रवाई की गई। तो प्रतिबंधित मांस था ही नहीं, एवरी मीट और एवरी पीस ऑफ मीट कैनॉट बी प्रोहिबिटेड मीट ना, लोगों को समझने की जरूरत है। जो कल सुबह में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उसमें कल देर रात्रि तक 59 लोगों को गिरफ्तार करके उनको माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जेल भेज दिया गया है, आगे की गिरफ्तारी जारी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।